हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक्नोपीडिया। मैं हूं आदिल और आज हम बात करेंगे आईफोन 14 के लीक्स और रूमर्स के ऊपर। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैं बताता हूं कि क्या क्या लीक्स और क्या क्या रूमर्स है जो सितंबर में आईफोन 14 लॉन्च होने के टाइम में आपको देखने मिलेगा। जैसे कि एप्पल हर साल सितंबर के इवेंट में नया आईफोन लॉन्च करता है, उसी तरह इस साल भी आईफोन 14 लॉन्च होने वाला है, जिसमें चार मॉडल्स एप्पल रिलीज करने वाला है, जिसके नाम है आईफोन 14, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स। इस साल एप्पल आईफोन 14 मिनी नहीं बनाएगा, उसके जगह में आईफोन 14 मैक्स आने वाला है, जो कि एप्पल का 14 आईफोन 14 लाइनअप का बेस वेरिएंट में ही काउंट होगा, लेकिन उसका स्क्रीन साइज आईफोन 14 से बड़ा होगा। अगर इन चारों मॉडल्स के स्क्रीन के साइज के बारे में बात करें तो आईफोन 14 एंड आईफोन 14 प्रो का स्क्रीन साइज सेम होने वाला है, दैट इज 6.1 इंच। लेकिन वहीं अगर 14 प्रो एंड 14 प्रो मैक्स का बात करें तो वहां आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने मिलेगा। वहीं अगर आईफोन 14 प्रो के स्क्रीन के डिजाइन के बारे में बात करें तो उनमें दो कटआउट आने वाले हैं। एक होगा आपका फेस आईडी के लिए, जो आप स्क्रीन पर इमेज देख ही रहे होंगे, और दूसरा होगा सेल्फी कटआउट, जो सेल्फी कैमरा का एक स्मॉल पंच होल कटआउट होगा कैमरा के लिए। अगर हम आईफोन 14 और 13 सीरीज के बेसिक फोन मॉडल्स के बारे में, अगर हम डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो एक्चुअली में इनके रैम में डिफरेंस आने वाला है, जहाँ कि आपका आईफोन 14 सीरीज में 6GB रैम होगा आपके बेसिक मॉडल्स में और 8GB रैम होगा आपके प्रो मॉडल्स में। और अगर प्रो मोशन डिस्प्ले के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आईफोन 13 प्रो मॉडल्स का प्रो मोशन डिस्प्ले कैसा एक्सपीरियंस देता है, तो आप सोच ही सकते हैं कि 120Hz का डिस्प्ले कैसा एक्सपीरियंस देगा। वहीं अगर एप्पल के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो एप्पल इस साल A16 बायोनिक चिप आईफोन 14 सीरीज में लाने वाला है, जो कि 4nm चिपसेट पे बेस्ड है। तो ओवरहीटिंग का तो कोई प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है, पहले भी नहीं होता था, सो जस्ट रिलैक्स फॉर दैट। ये तो रहा प्रोसेसर का बात, लेकिन इस साल जो सबसे बड़ा अपग्रेड आने वाला है आईफोन 14 सीरीज में, वो है उसका कैमरा को लेके। जहां तक लीक्स और रूमर्स है उसके हिसाब से जो आईफोन 14 प्रो में जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल कैमरा आने वाला है, जिसमें 8K का रिकॉर्डिंग होने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि डायरेक्ट जंप आपका जो 16 और 12 मेगापिक्सल से डायरेक्ट 48 मेगापिक्सल, ये बहुत बड़ा जंप है एप्पल के लिए। तो आप किस लेवल पे आपका वो एडिटिंग एंड क्लियरिटी आपको मिलने वाला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम स्टोरेज के बारे में बात करें तो स्टोरेज में सिर्फ एक ही डिफरेंस आने वाला है 13 और 14, वो सुनने में ये आया है कि आईफोन 14 प्रो मैक्स सीरीज में आपको 2TB तक का स्टोरेज मिल सकता है। जब ये सब फीचर्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो दो और इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे, वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। हाँ जी हाँ, आईफोन 14 सीरीज में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रूमर्स में निकल के आया है कि आईफोन अगर आपका सिम में नेटवर्क नहीं है तो आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिना नेटवर्क के आपके सिम में। और जब सिम के बारे में बात कर ही रहे हैं तो ये भी बता दूँ, सिंगल सिम हो या डुअल सिम, जो भी आप मॉडल ले रहे हैं उसमें आपका सिर्फ ई सिम मिलेगा, सिम स्लॉट आपको नहीं आने वाला है आईफोन 14 सीरीज में। जब सारे लीक्स और रूमर्स मैं आपको बता ही चुका हूं, तो एक चीज और बता देता हूं कि आईफोन 14 सीरीज कब लॉन्च होने वाला है। वो आपको सबको पता है कि कब लॉन्च होता है, सितंबर में इवेंट होगा एप्पल का, उसमें आईफोन 14 का लॉन्च अनाउंस किया जाएगा। प्राइजेस के बारे में बात करें तो प्राइजेस का रूमर्स ये है कि अभी तक एक्चुअली खुल के प्राइजेस के बारे में कुछ भी इंटरनेट पे नहीं आया है, बट इतना बता दूं मेरे अंदाजे से तो यही लगता है कि आईफोन 14 जो आपका बेसिक 14 सीरीज का जो मॉडल होने वाला है वो आईफोन 13 के रेंज में ही आएगा आपका जो प्राइजेस है, लेकिन जो प्रो मॉडल्स है वो एक्सपेक्टेड है कि वो थोड़ा सा ऊपर जाए बेस्ड ऑन कैमरा और जो आपका अपग्रेड होने वाला है उसके बेसिस पे। तो मेरा कंक्लूजन ये लीक्स और रूमर्स से ये होने वाला है कि आप आईफोन 14 के लिए ज़रूर वेट करें, अगर आप वेट कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर आपके मन में चल रहा है कि मैं आईफोन 13 ले लेता हूं तो आपके ऊपर, आपके पास बहुत पैसा है, आप ले सकते हैं। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप आईफोन 14 के लिए वेट करें, क्योंकि उसमें मेजर अपग्रेड आने वाला है आईफोन 13 से भी। और जो एरियाज जिस पे अपग्रेड्स आईफोन 14 का सबसे मेन फोकस है, वो उसका है कैमरा, उसका प्रोसेसर और उसका डिस्प्ले। ये तीन चीज सबसे मेन फोकस एप्पल ने रखा है आईफोन 14 सीरीज के लिए। जब आईफोन 14 के रूमर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप मेरे आईफोन SE 3 के रूमर्स और लीक्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप अगर आपको देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं।
और 8 मार्च को एप्पल का इवेंट होने वाला है, जो हम लोग अपने फेसबुक के पेज पे लाइव करने वाले हैं विथ रिएक्शन। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा पेज है, फेसबुक पेज, हमारे साथ उसको फॉलो करें, हमारे साथ कनेक्ट करें और वी विल वॉच द इवेंट टुगेदर। तो इस वीडियोस में जितने भी लीक्स मुझे मिले हैं, मैंने सबका कंक्लूजन और सबको राउंड अप करके आपको बता दिया। अगर और कोई नया र्यूमर आता है तो मैं आपको तुरंत एक नया वीडियो में आपके लिए बना करके आपके लिए लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।